हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के बाद उस रिकॉर्ड को आप कैसे हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेल्स आईडी है और इस सेल्स आईडी में जो आईडी नंबर 1 है, यह हमारा 3 बार ये रिपीट हुआ है रिकॉर्ड। और तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संख्या आ रहा है और यहाँ पर जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं उसको यहाँ पर देख पा रहे हैं हल्के हरे कलर से हाईलाइट किया गया है। ये दोस्तों बिल्कुल नए सिरे से हम आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये सेल्स आईडी है और यहाँ पे कुछ सेल्स आईडी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल्स 1 यहाँ पे एक बार है, सेल्स 1 यहाँ पे है और सेल्स 1 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 3 बार रिकॉर्ड हमारा रिपीट कर रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स जो 6 है और यहाँ पे सेल्स 6 यहाँ पे 2 बार ये रिपीट हुआ है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इक्वल टू साइन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे काउंट इफ जो हमारा फंक्शन है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेंज आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पे वह कॉलम आपको सेलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने से जो हमारा एड्रेस है वह रिलेटिव एड्रेस से एब्सोल्यूट एड्रेस में चेंज हो जाता है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी अल्फाबेट और नंबर के आगे यहाँ पे डॉलर साइन आ चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉमा प्रेस करना है और उसके बाद किसके बेसिस पे इसको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला ये कॉलम है इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इसको यहाँ पे इंटर करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे SAL001 वाला रिकॉर्ड 3 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, इसी फार्मूले को कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी करेंगे और सी करने के बाद यहाँ पे जो प्लस का निशान बनेगा तो इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उनकी संख्या यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उनको आप हाईलाइट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना, पूरा जो ये रिकॉर्ड है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब है, इस पर आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो दिया इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू रूल करके दिया इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन दिया है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज फॉर्मेटेड, यहाँ पे हम सेल को हाईलाइट करना चाहते थे, यहाँ पे लास्ट पे ये ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चूंकि यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है तो ये फार्मूले के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस आ जा रहा है और यहाँ पे जो नंबर के आगे यहाँ पे डॉलर साइन को हटा देंगे और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ग्रेटर देन 1 लिखेंगे, मतलब जिसका वैल्यू जो वैल्यू 1 से ज़्यादा बार है सिर्फ वही जो है हमारे रोज क्या होंगे, हाईलाइट होंगे या कलरफुल होंगे। चलिए यहाँ पे हम कलर का सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और जिस भी कलर का हम चाहते हैं उसका कलर, तो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ पे ओके करेंगे और फिर फाइनली यहाँ पे ओके करेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जितने भी हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड आउट कैसे करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद उसको किसी स्पेसिफिक कलर से हाईलाइट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।